सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं और अमीषा जी का एक्सप्रेशन मैं देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आए। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल और लोगों ने टू गुड ऑलवेज। जब रिलीज हुआ था मैं 10वीं कक्षा में था और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है, उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी, उनके पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुआ है। उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो कोई जो हंगरी होता है, जैसे उन्होंने कहा जिसके अंदर एक क्रिएटिव थर्स्ट होती है, वही ऊर्जा के साथ वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रिहर्सल्स किए और उन्होंने आपने सही बोला कि ही गॉट रेड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन था, एंड ही गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा था, तो उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्टिस्ट। And Udit ji, I really want to thank you. Thanks to you. क्योंकि मुझे लगता बात है ये जो बोल रहे हैं अनलर्न करके दोबारा करना आसान नहीं है। बहुत तो सलाम है आपको। और आपने देखा होगा कि पूरे पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया है। अब जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, पहले की उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया। बोले आपके लिए चैलेंज है और गा दो तो मजा आ जाएगा। हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं तो आप लोगों के सामने है और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया। मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं थे दिल छोड़ आया, रब जाने कब गुजरा अमृतसर हो कब जाने लाहौर आया, मैं थे दिल छोड़ आया। क्या बात है फिलहाल। अरिजीत सिंह के साथ वो गाना कौन सा, नाम तक नहीं पता हम लोग को, थोड़ी सी ट्रिविया दे दीजिए उसके बारे में। तो वो गाना, उसकी खास बात ये है कि सारे गाने जो है वो मुंबई में जब अनिल जी थे हमने तब कंपोज हुए और रिकॉर्ड हुए, ये वो एक ही गाना है जो अनिल जी को मैं टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया और वो उनका शेड्यूल था, वो निकल गए थे शूट करने के लिए और काफ़ी चिंतित भी थे वो एज अ मेकर कि गाना मिला नहीं है शूट करना है, तो मैंने उनसे कहा कि अनिल जी आप विश्वास कीजिए और वो विश्वास करते हुए बिना गाने लिए वो शूट पर चले गए और फिर मैंने बाद में उनको गाना भेजा और अकॉर्डिंग टू अनिल जी उनको लगता है कि जो गाना उनके गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ उनको लगता है कि वो एल्बम का बेस्ट गाना बन गया। क्या बात है, वाह वाह। एंड द सॉन्ग इज, उसको लिखा है सईद कादरी साहब ने, गाया है हमारे अरिजीत सिंह ने और गाने का नाम थोड़ा सा नहीं, उसके लिए हम देखिए आज अनिल जी ने गाना है आज ही सब कुछ नहीं हम रिवील करेंगे, लेकिन गाने का नाम है दिल झूम। सो वाओ, लेट्स वेट फॉर इट। दिल झूम फिर ठीक है, गुनगुनाएंगे आपने प्रॉमिस किया। हमने प्रॉमिस किया कि हम एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं गदर का, सारे गानों का, तो आप लोग जरूर प्लीज उसमें आइए और सिर्फ मैं नहीं, उदित जी, हमारे बाकी के सारे सिंगर्स, अलका जी को भी मैं आज मिस कर रहा, वो आ ना पाई किसी रीजन से, लेकिन उनकी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत है जो ओरिजिनल में थी और मुझे लगता है कि उत्तम जी, आनंद बख्शी, उदित नारायण और अलका जी के बिना आई कुड नॉट हैव रिक्रिएटेड और रीअरेंज्ड उड़ जा काले कावा। क्लोजिंग आपके गाने से करते हैं सर, एक लाइन। ये कौन सा गाना? हेलो, कोई भी आप दोनों के साथ अगर उड़ जा काले कावा हो जाए, क्योंकि हम इस टाइमलेस मेलोडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनका डिमांड है कि आप एक लाइन वो सुना दे। अच्छा एक बात आपसे कहना है, आप तो मुझे बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सब सामने,
कि भाई इतना माल कमा रहे हो मुझे क्या दोगे, अभी ये पिक्चर 5,000 करोड़ का बिजनेस करेगी तो हमारा क्या होगा उसमें। जो आप मेरे साथ करोगे आपके साथ मैं करूंगा। जो आपने 22 सालों में मेरे पास साथ किया 22 साल तक मैं आपके साथ यही करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। क्या बात, काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठिया अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तलंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, आजा सजना परदेसी घर आजा सजना परदेसी घर आजा सजना परदेसी, रब दा शुक्र मनावा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।